अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप एंड प्रे यू ऑल आर डूइंग वंडरफुल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ मज़ेदार सी मटन निहारी की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही आसान और लजीज बनेगी ये निहारी और इसे मैं अपने होम मेड निहारी मसाले से बनाना सिखाऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एक पॉट में हाफ कप ऑयल गरम करूंगी, उसमें 1 kg मटन ऐड करूंगी विद बोन और इसको हमने कलर चेंज होने तक अच्छे से भूनना है। मटन को 3 से 4 मिनट भूनने के बाद उसका कलर चेंज हो जाएगा और अब इस स्टेज में हम इसमें शामिल करेंगे 2 tablespoons लहसुन और अदरक का पेस्ट और इसको हमने फ्रेशली ग्राइंड करना है। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है निहारी का। इसकी हम 1 से 2 मिनट भुनाई करेंगे ताकि कच्चापन खत्म हो जाए लहसुन अदरक का। भुनाई हमने तेज आंच पे करनी है और अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी अपना होम मेड निहारी मसाला। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, लिंक मैं आई कार्ड और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, लाजमी ट्राई कीजिएगा। इसको हमने मसाले के साथ बहुत अच्छे 3 से 4 मिनट के लिए भूनना है। इसकी अच्छे से बुनाई हमने कर ली है, ऑयल जो है वो बिल्कुल अब सरफेस पे आ गया है। इस स्टेज पे मैं इसमें पानी शामिल कर दूंगी। पानी नीम गरम या गरम होना चाहिए। मैंने यहाँ पर 1 से 1.5 liter पानी इसमें शामिल कर दिया है और इसको उबाल आने तक मैं पकाऊंगी। जैसे ही इसमें उबाल आता है तो मैं इसको कवर करके 45 to 60 minutes हल्की आँच पे पकने के लिए रख दूंगी। दूसरी तरफ एक पैन में मैंने 1/2 cup गंदम का आटा लिया है। इसको हमने बिल्कुल हल्की आंच पे ड्राई रोस्ट करना है। जब खुशबू आने लगे और हल्का सा कलर चेंज हो जाए तो ये डन है, तेज़ आंच पे फौरन जल जाएगा और इसका टेस्ट निहारी को ख़राब कर देगा। और यहाँ पे आटा बिल्कुल अच्छे से ड्राई रोस्ट हो चुका है, इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। आटा ठंडा होने के बाद इसको मैं एक बोल में ट्रांसफ़र कर दूंगी और इसमें पानी शामिल करके इसका गाढ़ा सा मिक्सचर बनाऊंगी। मेक श्योर कि इसको आप बहुत अच्छे से विस्क करें ताकि इसमें कोई भी लम्स बाकी ना रहें। अब इस मिक्सचर को हम साइड पे रख देंगे और अपनी निहारी को चेक करेंगे। इसे पकते हुए 1 घंटा हो चुका है। जितना ज़्यादा आप इसको पकाएंगे गोश्त उतना ही अच्छा गलेगा। अब इस स्टेज पे मैं आटे का मिक्सचर इसमें शामिल कर दूंगी और इसको हमने साथ ही साथ मिक्स करना है ताकि कोई लम्स ना रहें। जैसे ही आप इसमें आटे का मिक्सचर शामिल करेंगे निहारी थिक होने लगेगी, इसीलिए आपने इसकी कंसिस्टेंसी का ध्यान रखना है। इसको इतनी देर पकाना है जितनी आपको इसकी कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड है। अभी यहाँ पर निहारी को उबलते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। दूसरी तरफ मैं इसके लिए तड़का तैयार करूँगी। मैंने एक पैन में 4 से 5 tablespoons ऑयल गरम किया है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 tablespoon सफ़ेद ज़ीरा, साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी 1 tablespoon कश्मीरी लाल मिर्च, ये सिर्फ कलर के लिए है, और साथ ही इसमें मैं शामिल कर दूंगी 1 tablespoon अपना होम मेड निहारी मसाला। इसको हमने बिल्कुल धीमी आंच पे 30 to 40 seconds के लिए फ्राई करना है। ध्यान रखिएगा कि मसाला जल ना जाए वरना निहारी में कड़वा टेस्ट आएगा। अब मैं ये मसाले का तड़का निहारी में शामिल कर दूंगी। इसको अब हमने अच्छे से मिक्स करना है, 2 से 3 मिनट मज़ीद अच्छे से इसको पकाना है ताकि जो हमने तड़का इसको लगाया है वो अच्छे से इसमें रच बस जाए। अब मैं इसको कवर करके मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए पकाऊंगी हल्की आंच पे और हमारी मज़ेदार सी मटन निहारी बिल्कुल तैयार है होम मेड मसाले से। इसका अपना ही मज़ा आएगा, लाजमी ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना ना भूलिएगा। इस ईद अपने मेहमानों को, अपने घर वालों को घर के मसालों के बने हुए खाने खिलाएँ और ईद को एंजॉय करें। निहारी मसाले के अलावा मेरे चैनल पे आपको मज़ीद बहुत सारे मज़ेदार मसालों की रेसिपीज़ मिलेंगी, उनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप एक बार लाजमी ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप, ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन ताकि आपको मेरी रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मैं आपसे मिलती हूँ अगेन किसी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। कीप सपोर्टिंग माई चैनल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।